स्थिति पर रखी जा रही है नजर। तो शिवगामी की तरफ से बड़ा बयान जोशीमठ की स्थिति को लेकर, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि हर एक हालातों पर खुद की नजर बनी हुई है, 8 टीमें लगातार रिपोर्ट तैयार कर रही है, हर स्थिति की रिपोर्ट मिल रही है, एनडीए में सभी रिपोर्ट्स का आकलन कर रही है, आकलन के बाद हम फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे। तो सिंधामी की तरफ से जोशीमठ की स्थिति को लेकर यह बयान यहां पर दिया है। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने भी संसद में जवाब दिया, और इस बीच अब सिंधामी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हर स्थिति पर पूरी तरीके से नजर है। लगातार हमारी मॉनिटरिंग जारी है, लगातार हम लोग वहां पर लोगों से संपर्क में हैं, जिलाधिकारी भी लगातार बात कर रहे हैं, आठों जो संस्थान काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्टें आ रही हैं, एनडीएमए उसको कंपाइल करेगा, जल्दी ही सारी रिपोर्टें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद जो मुआवजा है, पुनर्वास है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और संवाददाता किशोर रावत का भी रुख कर लेते हैं। किशोर, आपका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। जोशीमठ को लेकर सिंधामी ने बयान दिया है कि हर स्थिति पर नजर है और लगातार जो रिपोर्ट है वो टीमों की तरफ से तैयार की जा रही है, आकलन कहां तक पहुंचा है और धरातल पर क्या स्थिति फिलहाल? देखिए, अगर धरातल की स्थिति की बात करें तो फिलहाल जो दरारों की स्थिति है वो बरकरार जितनी है उतनी ही है, मतलब बढ़ नहीं रही है। इसके साथ पानी का डिस्चार्ज भी कम हो रहा है। दूसरी बात, जो लोगों को विस्थापित या फिर दूसरी जगह उनको शेल्टर देने हैं उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। लगातार सीएम ऑफिस इस पर नजर बनाए बैठा है, इसके साथ ही मुख्य सचिव की टीमें भी इस पर लगातार नजर बनाए बैठी है कि वहां किस तरीके से काम चल रहा है, लोगों को राहत पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनको कितनी तेजी से शेल्टर वापस दिए जाए। और दूसरी बात यह है कि जो जोशी है, क्योंकि 27 अप्रैल को बदीना जी के कपाट खुलने हैं, तो मेन जो स्टेशन है वो जोशीमठ ही है, तो उस जगह पर सड़कों की स्थिति, लोगों के, क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आएंगे तो उनको रहने के कहां रहेंगे, होटल व्यवसाय सराय सब चीजों की चीजें देखी जा रही है। और महत्वपूर्ण यह है कि सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जोशीमठ महत्वपूर्ण है और इस पे लगातार सरकार की नजर है और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों की जिंदगी जो सामान्य की जाए और वहां पे जो दरार आ रखी है या फिर और चीजें हो रही है उन पर जल्दी से नियंत्रण किया जाए। तो इसको लेकर लगातार टीमें, जो 8 संस्थानों की वैज्ञानिकों की 8 संस्थानों की टीम है, उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट तो एनडीएमए को दे दी, एनडीएमए उस पर बारीकी से नजर कर रहा है और हर पहलू पे जिस संस्थान ने देखिए इसमें सबकी नजर इसलिए भी है क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे उन्हें कहीं ना कहीं उनके जहन में कई तरह के सवाल हैं और यही वजह है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ेंगे आगे किशोर, लौटेंगे आपके पास। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया और केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने माना है कि जोशीमठ में भूदशाव से पहले ठीक बगल के तपोवन में लैंडस्लाइड और बाढ़ की समस्या देखने को मिली थी और इसकी वजह से बिजली परियोजना का काम रोकना पड़ा था। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी कहा कि जोशीमठ नगर और उसके आसपास कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है। वहीं तपोवन को लेकर बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि तपोवन का विद्युत परियोजना जोशीमठ से काफी दूर है, जोशीमठ में जमीन धंसने से तपोवन विद्युत परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। एहतियातन जिला प्रशासन ने जोशीमठ में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर है, नशा तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन। तो पुलिस ने 2.6 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, 7 नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क की गई। तो ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत यह एक्शन लिया गया है। तो पुलिस ने 2.6 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, यह बड़ी कार्रवाई यहां पर। तो मुख्यमंत्री ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हरिद्वार पुलिस ने नशा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। तो 7 नशा तस्करों की 2.60 करोड़ की चल और अचल संपत्ति हरिद्वार पुलिस ने जब्त की है। एक सख्त संदेश देने की कोशिश इस कार्रवाई के जरिए। तो नशा माफियाओं में 6 आरोपी हरिद्वार और 1 अभियुक्त मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है। तो उत्तराखंड में पहली बार नशा माफियाओं की संपत्ति जब्त की कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत 7 आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें लाखों की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। जो ऐसे नशा तस्कर जो लगातार नशे में लिप्त थे और अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे, उनकी उनपे कार्रवाई करते हुए हमने 7 ऐसे नशा तस्करों को चिन्हित किया, माफियाओं को, जो लगातार निरंतर इसमें लिप्त थे और उनकी 2.60 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को इसमें जो है निरुद्ध करते हुए रिपोर्ट हमने सक्षम अथॉरिटी दिल्ली को प्रेषित कर दी है।
पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, आपका रुख करना चाहेंगे नशा तस्करों पर, ये बड़ा एक्शन द्वार पुलिस का। जी हाँ, बिल्कुल, से बड़ा एक्शन हम जरूर कर सकते हैं। देखिए, पहली बार उत्तराखंड में ऐसी पुलिस द्वारा देखी गई है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर जो ड्रग फ्री अभियान 2025 जो निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत लगातार पुलिस प्रशासन पूरे उत्तराखंड में कार्रवाई कर रही है। और वही कार्रवाई अभी हरिद्वार में देखने को मिली, जिसमें 7 आरोपियों की जो नशा तस्कर थे, साथ साथ जो नशीली दवाइयां भी बनाते थे और उसके साथ साथ चरस या फिर स्मैक का धंधा भी करते थे, तो उन्होंने जो ये संपत्तियां अर्जित की थी ये नशीला पदार्थ बेच कर, इनके लिए ये पूरा सख्त कार्रवाई की गई है और इनकी 2,60,00,000 की ये पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है लगातार और भी जो ये नशाखोर है उनके ऊपर नजर बनाई हुई है और जो जितने भी उनकी संपत्ति है उनकी जांच की जा रही है। साथ साथ जो PWD है, नगर निगम है, वो भी इनके साथ काम कर रहे हैं और जो इनकी संपत्ति है उसका जो पूरा जिसका प्राइस है उसे मूल्यांकन करके जो रिपोर्ट आ रही है वो सामने आ रही है और इस कार्रवाई के जरिए एक सख्त संदेश देने की कोशिश। तुषार, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गणेश जोशी के बयानों से बीजेपी संगठन का किनारा।